हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपनी जो नाभि है उसको डीप कैसे कर सकते हो और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। तो फ्रेंड्स, नाभि को डीप करने के लिए आपको जो दो चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है, तो एक तो हमने लिया है क्लेजिंग। आप चाहो तो बॉडी लोशन या इस तरीके का क्लेजिंग ले सकते हो, तो ये ले लीजिए। और साथ में इस तरीके से आपके पास कोई चीज़ है तो इसका हल्का सा कॉर्नर है जो बाहर की तरफ निकला हो और एकदम यहाँ पे है जो बड़ा सा राउंड बना हो, इस तरीके की कोई चीज़ है तो आप ये चीज़ ले सकते हो। और फिर क्या क्या करना है ये आपको है जो मैं बताती हूँ। तो क्या करना है कि इस तरीके से कर लेना है और फिर थोड़ा सा ये क्लेजिंग है जो लेना है, क्लेजिंग लेते हैं। तो इतना सा है जो ये आपको ले लेना है। और तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो नाभि है उस पर अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये नाभि पे आपको है जो 1 से 2 मिनट के बीच तक है जो इस तरीके से अप्लाई करना है। नाभि के है जो पास में ही करना है, ज़्यादा दूरी पर नहीं करना है, तो यहीं पे कीजिए। तो नॉर्मल आप है 1 या 2 मिनट तक है जो अंगुली से जो इस तरीके से मसाज कर लीजिए। ताकि जो भी आपने क्लेचिंग लिया है उससे है जो अच्छे से आपकी पहले तो नाभि साफ़ हो जाए और फिर यहाँ से जो आपकी जो स्किन है बस सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए आपको है जो ये थोड़ी सी मसाज करनी ज़रूरी है नॉर्मल सी इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है कि किस कपड़े से आपको पोंछ लेना है। तो अभी हम ये कपड़ा ले रहे हैं जिससे है जो नाभि को पोंछ लेंगे। तो अभी हमने है जो नॉर्मल सा नाभि को पोंछ लिया, ज़्यादा नहीं पोंछना है, नॉर्मल सा। फिर आपको ये कॉर्नर वाला जो हिस्सा है वो इस साइड करना है और ये जो हिस्सा आपने लिया है इसको है जो यहाँ पे है जो अंदर की साइड करना है। और फिर यहाँ पे है जो हल्का सा है जो नाभि के सेंटर पॉइंट पे है जो दबाव दीजिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको रखना है ये 20 से 25 मिनट तक अपनी नाभि का जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है उस पर इस तरीके से लगा के रखना है। यदि आप है जो हाथ से इस तरीके से नहीं रख पाते हो तो आप है जो कोई कपड़ा है जो यहाँ पर बांध लीजिए, जो भी आपने ये लिया है, और फिर आप चाहो तो है जो कपड़ा बांध के रख लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो 15 से 20 मिनट रखोगे तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो नाभि का आकार है तो ये आपने लिया है इसमें है जो परिवर्तन होता जाएगा, इसकी साइज़ में आपकी जो नाभि है वह बदलती जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन में है जो आपकी नाभि है जो इस तरीके से है जो डीप नहीं होगी, थोड़ा है जो टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में आप है जो फटाक से अपनी नाभि को है जो डीप कर सकते हो, ऐसे तो है जो कोई भी चीज़ से आप है जो डीप नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे यदि आप है जो रेगुलर रहते हो, कोशिश करते हो, तो 100% है जो आपकी नाभि है जो डीप होती जाएगी। तो इस तरीके से आप रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई ऐसी ज़्यादा नुकीली चीज़ ना ले जो आपकी नाभि में चुभ जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको करना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप बाहर निकालते हो आप देख सकते हो हल्का हल्का सा है जो आपको यहाँ पे जो फ़ायदा देखने के लिए मिल जाता है कि हल्का सा है जो यहाँ पे आपकी जो नाभि का आकार है वह थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा। जिस भी चीज़ से आप आधी 1 या 1 घंटे के आसपास इसको रखते हो नाभि के सेंटर पॉइंट में अलग, तो फिर थोड़ी देर में आपको जो अपने आप है जो महसूस हो जाएगा कि हल्का सा आपकी नाभि में जो परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो रेगुलर है जो 15 से 20 दिन करते हो तो आपकी नाभि है जो 100% है जो डीप हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स बाय बाय, जय हिंद।